आज एक खास विषय पर आई विल ट्राई टू कंक्लूड इन टाइम, पर एक बहुत गंभीर विषय पर आपको लेकर जाना मांगता हूँ, जो आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी बार भी आराधना अटेंड की है, जितनी बार भी आप किसी मसीही आराधना में गए हैं, इसका जिक्र ज़रूर से सुना है। यदि आप कलीसिया में आखिर तक ठहरते हैं तो, अगर आप चंचल हैं और चंचलता के साथ निकल जाते हैं तो बात अलग है। बिफोर आई स्टार्ट प्रीचिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, टूडे आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा। हो सकता है आपको लगे ये मुझसे क्यों बोल रहे थे, या कई बार आपने शिकायतें सुनी है ना लोगों की, कहते भाई तो हम पे बोल रहे थे। हम आप ही पे बोलेंगे आज। अगर आपसे ना बात करें तो आपका आना व्यर्थ है। When you came here to listen to the word of God, word will definitely speak to you. अगर आप किसी के घर जाएं और वो आपसे बात ना करे और वो सबसे बातें करता रहे, तो आप कहेंगे नहीं क्या कि मुझे इग्नोर कर रहे थे? कहते हैं ना आप, मुझे इग्नोर कर रहे थे। तो किससे बात करनी चाहिए? हेलो, किससे बात करनी चाहिए? जब आप मेरे घर आए तो आपस तो बात करूंगा, पड़ोसी से करूंगा क्या? जो चर्च नहीं आए उनसे बात नहीं कर रहा हूं, पर जो चर्च आए हैं आपसे बात कर रहा हूं। द वर्ल्ड विल डेफिनेटली स्पीक टू यू, स्पीकिंग टू मी ऑल्सो, मुझसे भी बात कर रहा है, पर एट द सेम टाइम आपसे, अफसोस आप पर यदि आपसे खुदा का कलाम बात ना करे। वो दिन अच्छा दिन नहीं होगा जब परमेश्वर का वचन आपसे बात ना करे। हम लोग कई बार, एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं आज का कलाम मंडल के लिए था, मंडल पे फिट बैठ रहा था। अरे भाई साहब, मंडल पे नहीं, वो आप ही पे फिट था, पर क्योंकि फ्रेम में आपने मंडल रखा था इसलिए आपको मंडल पे फिट दिख रहा था, एक्चुअली तो वो आप पर था। आज थोड़ी देर आपके साथ बात करूंगा खुदावन के कलाम की इस आयत की। मैंने पिछले दिनों में पढ़ा, मुझे इससे बहुत बरकत मिली और मैं सोचने पर मजबूर हुआ, व्हाई इट हैपेंड, व्हाई द मैन ऑफ गॉड वाज टॉकिंग लाइक दिस, क्यों खुदा का खादिम इस किस्म की बातें कर रहा था। मेरे साथ इससे पहले कि कलाम के उस हिस्से पर अपने की वर्ड्स पे जाऊं, मैं आपको दो एक जगह पर लेकर के चलना मांगता हूं ताकि आप वहां पर कनेक्ट कर सके। 27वां अध्याय वचन की किताब, उसका 27वां अध्याय का 17वां पद ऐसे लिखा हुआ है, एज आयरन शार्पन्स द आयरन, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकता है। आज थोड़ी देर संगति की बात करने वाले हैं और संगति सीखने वाले हैं। व्हाट द फेलोशिप मींस टू यू, मेरे लिए आपके लिए सहभागिता कितना इंपॉर्टेंट है, यह मालूम करना कि मेरी सहभागिता से मुझे क्या कुछ प्राप्त होता है, यह मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। द फेलोशिप इज प्रॉफिटेबल टू मी एंड फॉर मी, इज नॉट फॉर एनी अदर पर्सन, इज फॉर मी। वी नीड टू चेक आवर फेलोशिप। ऐसे लिखा हुआ है कुरिन्थियों की किताब, उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33वां पद है, 33rd वर्स, इट सेज, हाँ, धोखा ना खाना बुरी संगति, द बैड कंपनी, द बैड फेलोशिप, द बैड कंपेनियनशिप रियूंस अ गुड पर्सन। अच्छी संगति अच्छे व्यक्ति को अच्छा बना देती है, बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना सकती है, पर बुरी संगति अच्छे व्यक्ति को भी बुरा बना देती है। द प्लेस वेयर यू सिट, आज बच्चों ने यह पढ़ा, मुझे मालूम नहीं था, बट दैट इज काइंड ऑफ कंफर्मेशन व्हाट दे वर रिसाइटिंग टुडे। आज जो इन्होंने पढ़ा है पहला जबूर, वहां लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, उसकी संगति में नहीं बैठता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। द प्लेस वेयर ही सिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्लेस
where you sit is very important. The person whom you speak to on phone is very important. वो आदमी जिससे आप घंटों फोन पे बात करते हैं वो बहुत खास है आपकी जिंदगी के लिए. वैसे वाला खास हो या ना हो पर आपकी जिंदगी पे जबरदस्त इंपैक्ट डालता है वो. आप उसकी बातें करने लगते हैं, आप उससे प्रभावित होते हैं. वो नेगेटिव व्यक्ति है, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है. आप अच्छे खासे थे, आपने कभी अनुभव किया हो, आप किसी के घर गए और आप बहुत अच्छे मूड में गए पर जब लौट कर आए तो आपका पूरा मूड चौपट हो चुका था. आप पूरे स्पॉइल्ड होके लौटे, आप बिल्कुल खिसियाए हुए लौटे, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. खुदा बाप बता रहा है, बात कर रहा है, खुदा कलाम कह रहा है, धोखा नहीं खाना. अ बैड कंपनी रियूंस अ गुड करेक्टर. जी अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर, खास बातचीत पर, जो जिसकी चर्चा मैं करना मांग रहा हूं. जिसे मैंने कहा आपने अपनी जिंदगी जितनी बार आराधनाएं की है उतनी बार आपने इसको सुना है. पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, कुरंत की कलीसिया को. जब वो अपनी पूरी चिट्ठी लिख चुका कुरंत की कलीसिया को, चर्च ऑफ कोरिन्थ को, जब उसने चिट्ठी लिखा कुरिन्थियंस चर्च को, तो पहला अध्याय लिखा पहला कुरिन्थियों, फिर दूसरा कुरिन्थियों लिखा. दूसरे कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पौलुस का सैल्यूटेशन है या पौलुस का कंक्लूजन ऑफ द लेटर है. जब आप कंक्लूड करते हैं किसी चिट्ठी को, लिखते हैं एप्लीकेशन, लिखते थे तो उसमें लिखते थे नीचे हिंदी में, आपकी असीम कृपा होगी, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज फॉर यू, सिंसियरली योर्स, वगैरह वगैरह जो लिखते थे. पौलुस अपनी चिट्ठी लिख रहा है. जब आपने हिंदी में चिट्ठी लिखा था हम लिखते थे अपने यहाँ अपने गांव की भाषा में, तब लिखते थे बड़ों को प्रणाम छोटों को आशीर्वाद, द वर्ड ऑफ ग्रेस विच, जो आप लिखते थे. पौलुस जब अपनी आखिरी बात लिख रहा है तो आखिरी बात में 13वें अध्याय के 14वें पद को पढ़िएगा, 14वां पद और 15वां पद दोनों पढ़िए निकाल करके. जी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे. 15वां पद भी पढ़िए, 15वां पद पढ़िए. अच्छा तो फिर 14वें अध्याय का 15वें पहला पद पढ़ दीजिए, मतलब खत्म, इसके बाद और कुछ नहीं. भैया हम अगर जाएं, आप अगर इस दुनिया से जाने लगे, मरने लगेंगे अगर कल हम, तो मरते मरते क्या कहेंगे? अपनी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास बातें बुला के बीवी को बताएंगे, देखो FD वहां है, LIC वहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे, अपने बच्चों को बुला करके बात करेंगे. ये तो खुदा के कलाम में उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जब वो मरने लगा तो उसने अपने सब बेटों को बुलाया और बुला करके उनको आशीष देनी शुरू की. Paul is talking about something which is very, 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 very important. What important is? The importance is, अगर मैं होता तो मैं कहता खुदा तुमको बरकत दे, खुदा तुमको औलाद दे, खुदा तुमको संपत्ति दे, खुदा तुमको घर दे, खुदा तुमको हाईएस्ट प्लेस पे ले जाए, खुदा बाप तुमको बहुत ऊंचाई पे ले जाए, खुदा बाप तुमको दुनिया का बेस्ट प्रीचर बना दे, बेस्ट सिंगर बना दे, यू मे बी द बेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी कोई बरकत नहीं देते. पर पौलुस ने ऐसी कोई बरकत नहीं दी. पौलुस ने कहा, सुनिएगा दोबारा से, पौलुस जब बात करने लगा कहने लगा, मे द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट, नॉट द फेलोशिप ऑफ योर फ्रेंड. आपके दोस्त की फेलोशिप की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पत्नी की फेलोशिप की बात नहीं कर रहा हूं, आपके पति के फेलोशिप की बात भी नहीं कर रहा हूं, आपके साथ कौन कौन रहता है उसकी फेलोशिप की बात नहीं कर रहा हूं, हाउ मच मनी यू आर अर्निंग, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिट. आई एम टॉकिंग अबाउट द फेलोशिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द होली स्पिरिट.
Why this fellowship of Holy Spirit is important? क्यों पवित्र आत्मा की सहभागिता? पौलुस को शायद ये लगा होगा कि इससे अच्छा मैं आशीर्वाद इनको कुछ दे ही नहीं सकता। जब आपके पास देने के लिए किसी को उससे बेहतर कुछ ना हो तो आप सबसे आखिर में ये कह करके खत्म कर दें, भैया जो कुछ कहना था कह चुके, अब दिस इज द लास्ट लास्ट पॉइंट व्हाट आई कैन गिव इट यू। वो कहने लगा पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति, यही तो हम बार बार बेनेडिक्शन में सुनते आए हैं। कई बार ये बेनेडिक्शन ही तो है ना, डू यू रिमेंबर दैट दिस इज द बेनेडिक्शन, द वर्ड ऑफ बेनेडिक्शन। कई बार हम इसे छोड़ के निकल लेते हैं, हम बीच में से निकल जाते हैं, चलो चर्च खत्म हो गया, ऑफरिंग डाल दी, अब खत्म हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट हैव टू बी रिमेंबर दैट द फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। सुनिएगा, मैं आपको एक कलाम में लेकर के चलना मांगता हूं कि सहभागिता से होता क्या है, मैंने कुछ निकाला, संगति से क्या होता है। लिखा खुदा कलाम में, एक दिन खुदा का बंदा शाऊल एक दिन लिखा नबियों के दल में हो गया। शाऊल के बाप की गदहियां खो गई थी, इफ यू डू रिमेंबर दैट, उसके बाप की गदहियां खो गई थी। वो गधी ढूंढने के लिए भेजा गया था, कीश का बेटा था शाऊल। पहले सैमुअल के 10वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है वो गधियां ढूंढता हुआ गया, वहां उसे पहाड़ से उतरता हुआ नबियों का एक दल मिला। उन नबियों के दल के साथ शाऊल नाम का आदमी, जो अपने घर में शायद ज्यादा योग्यता नहीं रखता, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी फैमिली में, इसके घर में इसे ज्यादा लोग पूछते नहीं है, तभी तो ये बाप की गधी ढूंढने निकला है, किसी इंपॉर्टेंट वर्क पे नहीं है। पर इसको कहा भाई चाहे तू ही गधी ढूंढ के लेकर गया, ये गधी ढूंढने गया है। जब ये ढूंढने गया, सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन जब ये गया, तो इसके बारे में ऐसे लिखा हुआ है 10वें पद को पढ़िए जी। हाँ, नबियों का दल मिला और नबियों का दल मिला, आत्मा उनके उसके ऊपर उतरा और वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। When the spirit of God came upon him, he started prophesying. जब आप परमेश्वर की आत्मा की संगति में आते हैं, as soon as you connect with the Holy Spirit, you speak in different language. The moment you will connect with the Holy Spirit, your entire identity will be changed. आपकी पूरी पहचान बदल जाती है। अभी आप शाऊल थे, अब आप नबी शाऊल हो गए हैं। Now you started prophesying. मैंने ऐसे लिखा है, अब आगे सुनिएगा, the next very important thing, the very next, 16वां अध्याय, उसका 14वां पद पढ़िए, 16वां अध्याय, 14वां पद। फिर उसके बाद शाऊल बादशाह बना, शाऊल ने बादशाही की, शाऊल बहुत दिन तक राजा रहा, सब कुछ होता रहा। उसके 14वां पद पढ़िए, सुनिए कहा 14वां पद, वर्स 14, फर्स्ट सैमुअल 16 चैप्टर वर्स 14। प्लीज ओपन अप योर बाइबल, सचिन के पास बाइबल है, खोलिए पढ़िए जी। हाँ, यहोवा का आत्मा, सुनिएगा, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। शाऊल पर आया था, जब आया तो प्रोफेसी करने लगा, उसके बाद लिखा शाऊल का आत्मा यहोवा पर से उठ गया। आगे, और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। वाह पापा, बहुत टेरिबल कंडीशन है। एक आदमी जो प्रोफेसी कर रहा था, अब वो इविल स्पिरिट से भरा हुआ है, अब वो लौट रहा, छटपटा रहा, अरे नहीं जाऊंगा, आ जाऊंगा, निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा, हमको निकालो, अब ये दुष्ट आत्मा वाला आदमी हो गया है। You know what the difference is? The difference is fellowship of Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहभागिता गई, आप दुष्ट आत्मा हो गए। अब दुष्ट आत्मा आपको सताता है। आपने, मैंने खूब अच्छे से पढ़ा है, तब लिखा है खुदा कलाम में, तब दाऊद आता था, दाऊद गीत बजाता था, दाऊद गिटार बजाते थे, दाऊद बाजा बजाते थे, और तब पवित्र आत्मा उतरता था और उसकी दुष्ट आत्मा। God's people, let me tell you, if you are not careful, if you are not cautious, if you are not taking care of yourself,
इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट, अगर आपको पवित्र आत्मा की सहभागिता की कदर नहीं है तो मुझसे बताने दीजिए, एक दिन पवित्र आत्मा चली जाएगी और दुष्ट आत्मा सताने लगेगी। उस दिन आपकी बोली दुष्टों की हो जाएगी, उस दिन आप गंदी बातें करेंगे, उस दिन आप गालियां दिया करेंगे, उस दिन आप सब कुछ करेंगे जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है। द मोमेंट होली स्पिरिट विल कम, यू विल बी अ चेंज पर्सनैलिटी, आई विल बी अ चेंज पर्सनैलिटी। एक क्षण में होगा, ऐसा नहीं लिखा वो धीमे धीमे करके बदलेगा। बदलाव खुदा के लोगों आपसे बताओ, स्पिरिचुअल बदलाव धीमे धीमे नहीं है, ये तो होली स्पिरिट विल कम एंड यू विल स्टार्ट प्रोफेसाइंग। पवित्र आत्मा उस पर आया, आत्मा बलपूर्वक, ऐसे लिखा ना, आत्मा सहूलियत से आया। कैसे लिखा, आत्मा कैसे आया, सहूलियत से आया, धीमे धीमे आया, आराम से आया, इजी गोइंग आया। कहने लगा आज 10% आऊंगा, कल 10% आऊंगा, परसों 10% आऊंगा, फिर अगले संडे तक मैं तुम्हारे पास 100% आ जाऊंगा। आत्मा कोई लखनऊ से ट्रेवल थोड़े कर रहा था दिल्ली तक की, उसका किलोमीटर पहले मलियाबाद आएगा, फिर सिकोहाबाद आएगा, फिर बरेली आएगा, फिर बरेली के बाद मुरादाबाद आएगा, रामपुर आएगा, ऐसा करके थोड़े आ रहा था वो। आत्मा तो चला सड़ते से पहुंचा। अ स्पिरिचुअल लिटमस टेस्ट, कितने लोगों ने लिटमस टेस्ट किया है कभी? बट लिटमस टेस्ट वो है जो परख कर बताती है कि आपका पीएच लेवल कितना है। किसी किसी चीज के पीएच लेवल को देखा जाता है, मनु भाई पानी का लेवल चेक करता है, वो लिटमस टेस्ट तो नहीं है पर काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट है। क्या आपने, मैंने कभी अपना लिटमस टेस्ट किया है? हैव यू एवर चेक योरसेल्फ अ स्पिरिचुअल लिटमस टेस्ट? आज आपको थोड़ी देर आपके अपने स्पिरिचुअल लिटमस टेस्ट के तरीके को बताना चाहता हूँ। हाउ यू कैन टेस्ट योर लिटमस, अपना पीएच लेवल, अपना ग्राफ कैसे चेक कर पाएंगे, हाउ वी कैन चेक इट। लिटमस टेस्ट जब होता है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैथ्यू 26 चैप्टर वर्स 73, मत्ती 26वां अध्याय 73वां पद पढ़िए। हाँ जो वहां खड़े थे, जी पतरस ने पाकर, पतरस के पास आकर उसे कहा, हाँ सचमुच तू भेड़ में से एक है, हाँ क्योंकि तेरी बोरी तेरे भेद खोल देती है। उसने, लौंडी ने आकर के बात की तो कहने लगी, सुन तू तो उसका दोस्त है, तू उसका साथी है, तू उसके साथ रहा, कैसे पता? तेरी बोली, फेलोशिप विल चेंज योर लैंग्वेज, योर वर्ड्स। क्या बोलने लगे हो? पर पतरस ऐसा क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था पतरस? नहीं नहीं, बात में परिवर्तन आया है, अब बातें वैसी नहीं होती, अब पतरस वैसा नहीं है जैसा पहले था। If you are coming to the church, going out, and your language is the same, let me tell you, you are not in the fellowship of Holy Spirit. If the fellowship of Holy Spirit will come, the very moment you will go out, your word will change. Your thought process will change. आपके सोचने की ताकत बदल जाएगी, आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी language change हो जाएगी। अभी तो यही लग रहा है ना, उनको ज्यादा किया था, इनको कम किया था। अभी मैं बिटिया को बता रहा था, मैंने कहा पादरी बहुत न्यूट्रल होता है, वो किसी का नहीं होता और सबका होता है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ विक्टर भाई, बट आई एम इन फेवर ऑफ ऑल ऑफ पीपल। हमारी जिंदगी सबके लिए होती है, पादरी, किसी पादरी की बात आप करें, उसकी जिंदगी एक के लिए नहीं होती, अपनी बीवी के लिए भी नहीं होती। वो किसी के साथ पार्शियल नहीं होता। कई बार लगता है अच्छा ये अमीर आदमी, इनके पार्शियल है, कोई अमीर का पार्शियल नहीं होता, वो गरीब का ही पार्शियल नहीं होता, वो किसी का पार्शियल नहीं है। अगर एस्तर की किताब पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, एस्तर की किताब में हैंगों का जिक्र लिखा है और खोजों का जिक्र लिखा है। द खोजर्स आर प्रिपेयरिंग द ब्राइड फॉर द किंग एंड द पास्टर्स आर खोजर्स। अगर खोजा नहीं समझ में आए तो आराम से पूछिएगा, फिर कहीं बताएंगे आज का टॉपिक नहीं है।
उससे कहा तेरी बोली लिटमस टेस्ट ये है, आप कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, आप सबको जज कर रहे हैं। यीशु मसीह भी नहीं कर रहा था भाई, यू आर इन डिफरेंट स्पिरिट, दैट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ होली गॉड, दैट्स नॉट द होली स्पिरिट। आइए जल्दी जल्दी आगे बढ़े। मैंने लिखा बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू स्पीक, व्हाट, वेयर एंड हाउ यू स्पीक। आप कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका लिटमस टेस्ट है। यू आर अ मैन फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड यू आर टॉकिंग रबिश, यू कैन से एनीथिंग, बट दैट स्टम्बल्स अ इमेच्योर पर्सन समटाइम। आपने बात की, आपने पकड़ लिया, आपने एलिशा को पकड़ लिया, पकड़ करके आपने कुछ बोल दिया एलिशा को। एलिशा आलोक सिन्हा नहीं है, आप उसे दुखी कर रहे हैं। हो सकता है आपने उसको इतना दुखी कर दिया, गाना गा रही थी तुम, गाना गा रही थी, सुर कहां था, ताल कहां था, देखा था तुमने, ना सुर मिलता है ना ताल, खड़ी हो जाती हो बेवकूफ की तरह, आईना से नहीं गाया था, कपड़े देखे थे तुमने अपने, कैसे कपड़े पहन के खड़ी हो गई थी। भैया वो गाना गाने खड़ी थी, आपको गाना सुनना था कि आप कपड़े पे जजमेंट करना था आपको। शी वॉज सिंगिंग एंड शी वॉज प्रेजिंग गॉड। फिलिपियंस का दूसरा अध्याय उसका पहला पद पढ़िए जी, फिलिपियंस सेकंड चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड वर्स। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। सुनिए, कह रहा था अगर आत्मा की सहभागिता है, मेरे साथ बोलिए, अगर आत्मा की सहभागिता है, अगर आत्मा की सहभागिता है तो क्या कह रहा था, सुनिएगा, तो और कुछ करुणा और दया है, हाँ, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। तो कहने लगा तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। अगर आत्मा, अभी तो बीच की कुछ चीजें को हटा दीजिए, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे वहां तक। अगर आत्मा की सहभागिता है तो एक काम करो, क्या करो, आपस में एक मन रहो। मेरा मन तो नहीं, कल इबादत करें, नहीं आपका मन है मेरा नहीं है, दुआ में आना आपका मन है मेरा नहीं है, थर्सडे प्रेयर कर ले आपका मन है मेरा नहीं है। वो कह रहा अगर आत्मा की सहभागिता है तो एक मन रहो। दिस इज द लिटमस टेस्ट ऑफ फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट। इफ होली स्पिरिट विल बी देयर, वी ऑल विल बी वन माइंड। क्या करना है, चलो एक काम करते हैं, सब एक मन है, हाँ करते हैं। ये नहीं कह रहा हम नहीं करते जी, तुम कर लो, संडे स्कूल कह रहा तुम स्कूल ऑफ वर्शिप कर लो, स्कूल ऑफ वर्शिप कह रहा प्रेजेंट वर्शिप टीम कर लो, टीम कह रही है यूथ कर लो, यूथ कह रहा पादरी कर लो, पादरी कह रहा एल्डर कर लो, सब एक दूसरे पे ब्लेम नहीं कर रहे, बट दे आर ऑल यूनाइटेड विद वन माइंड, द चर्च वन माइंड। इफ देयर इज एनी फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट, आगे पढ़ो बेटा, और एक ही प्रेम, एक ही चित, एक ही मनसा रखो, एक ही मनसा रखो। मनसा क्या है, क्या मनसा है, परमेश्वर का नाम महिमा पाए। मनसा क्या है, इच्छा क्या है, डिजायर क्या है, परमेश्वर का नाम। ये वाली कलीसिया अकेली कलीसिया नहीं है, लेट मी टेल यू, एबीसी इज नॉट द ओनली चर्च, इट्स वन चर्च बट इट्स नॉट द ओनली चर्च। द चर्च इज देयर इन हेवन, द यूनिवर्सल चर्च। मनसा क्या है, परमेश्वर का राज्य बढ़े।
the kingdom must have to be expanded. And if you can be a part of the expansion of the kingdom, just be happy. अगर आप परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी का कारण हो सकते हैं तो खुशी मनाइए. अगर आपके पैसे खुदा की बादशाहत के लिए खर्च हो सकते हैं तो खुशी मनाइए क्योंकि आपके पैसे खर्च हो पा रहे हैं. दाऊद ने चाहा था परमेश्वर का भवन बना ले, पर आपको मालूम है क्या हुआ था? What happened to David? दाऊद ने चाहा, सिस्टर बताइए जी, जोर से बोल दीजिए. वो नहीं बना पाया, क्यों मालूम है आपको? क्योंकि खुदा बाप ने कहा कि तू मेरा घर बनवाने नहीं पाएगा. इफ योर मनी इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन द किंगडम ऑफ गॉड इन एनी ऑफ द सेंचुरी, बी हैप्पी, खुशी मनाइए. खुदा बाप शुक्र है तेरा, मेरे 2 रुपए तेरे खिदमत के काम आएंगे. दाऊद के पास तो बहुत पैसा था पर फिर भी खर्च नहीं कर पाया खुदा घर में. लिखा खुदा घर में, खुदा बाप ने कहा तेरा बेटा सुलेमान मेरे नाम का घर बनाएगा. डेविड वॉज नॉट बीन एबल, इवन ही वॉज अ ग्रेट वर्शिप लीडर. गॉड सेड दिस वर्ड टू डेविड, खुदा बाप ने दाऊद के विषय में यह बात कही थी, यह शख्स मेरे मर्जी के मुताबिक है. पर जो खुदा के मन के मुताबिक भी था वो भी उसका घर नहीं बना पाया. अगर आपके पैसे खुदा की बादशाहत में खर्चो, खुशी मनाइए. रिजॉइस बिकॉज गॉड हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी टू यूज योर मनी फॉर हिज किंगडम. चौदहवा अध्याय 17वां पद पढ़िए निकालकर जी. बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट हैविंग मनी. किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट योर पोजेशंस. आपके पास कितना चीज है, कितनी प्रॉपर्टी है, यह किंगडम ऑफ गॉड नहीं है. अगर ऐसा होता तो किंगडम ऑफ गॉड का मालिक अडानी होता, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक होता, वो बिल गेट्स होता, वो बड़े बड़े लोग होते जिनके पास अरबों खरबों और मिलियन ट्रिलियन ब्रिलियन ट्रिलियन जो कुछ भी होता उसके आगे वाला सब, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी के पास किंगडम ऑफ गॉड होता. किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट दैट. किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग, खाना भी नहीं है. किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ड्रिंकिंग, पीने की चीजें भी नहीं है. आपके घर में कौन कौन सा ड्रिंक रहता है, क्या क्या रहता है, ये किंगडम ऑफ गॉड नहीं है. तो फिर क्या है किंगडम ऑफ गॉड? सुनिएगा, किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप. हाँ, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. किससे होता है? पवित्र आत्मा से आनंद होता है. When Holy Spirit will come in your life, you will have joy. आपके पास आनंद आ जाएगा. खाना नहीं है, आनंद है. पैसा नहीं है, आनंद है. कपड़े फट गए हैं, आनंद है. जूता खराब हो गया है, आनंद है. आपका घर टूटा टूटी मड़ैया है पर आनंद है. बिजली नहीं आ रही है पर आनंद है. रहते थे ना हैरी लोग, हैरी लोग रहते थे ग्राम में, इनकी बिजली काट दी गई जिनके घर की. ये घर में बिजली नहीं आती थी, पड़ोसी से लेकर के 2 घंटे के लिए चार्ज करते थे अपना इन्वर्टर, फिर 4 घंटे उसी इन्वर्टर की लाइट में रहते थे. ये नहीं था, बच्चे तब भी पढ़ रहे थे, ये कैंडल जला करके स्ट्रीट लाइट में डिबरी जला करके पढ़ाई कर रहे थे. अच्छा, स्कूल में बताते थे सब लोग, इंग्राम इंस्टीट्यूट वाले, उनके बच्चे बहुत तेज हैं, स्मार्ट हैं, पढ़ने में एकदम फर्स्ट हैं. कौन सी चीज क्या था? वॉज द होली स्पिरिट, वॉज द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट. नेवर लैक दैट, इसको कभी खोना नहीं. दुनिया आपकी जेब में हो सकती है पर अगर होली स्पिरिट नहीं है, यू विल नेवर हैव जॉय. जी, 5 अध्याय उसका 19वां पद पढ़िए जी. पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 19वां पद, 1 थिस्सलुनीकियों 5 चैप्टर वर्स 19. जल्दी चलो. हाँ, लिखा है खुदा के कलाम में, तभी तो वो जो बात कर रहा था, सब बातों की चर्चा करते करते उसने कहा, सब कुछ करने के बाद कहता, भाई देखो बाइबल पढ़ना मत छोड़ना. उसे कहना चाहिए था बाइबल पढ़ना मत छोड़ना, उपवास मत छोड़ना,
ये भी तो कह सकता था ना, उपवास मत छोड़ना, बाइबल पढ़ना मत छोड़ना, पर वो कहने लगा आत्मा को मत बुझाना। द होली स्पिरिट इफ इट विल गो फ्रॉम यू, द फेलोशिप इफ यू लूज इट, ईविल स्पिरिट विल कम, दुष्ट आत्मा सताने लगेगी। फिर जब दुष्ट आत्मा आ जाएगी तो आप दारू भी पियोगे, सिगरेट भी पियोगे, गाली भी दोगे, व्यभिचार भी करोगे, पौन में भी जाओगे, आप गंदे काम करोगे, आप जो कुछ कर सकते हो सब करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा चली जाएगी। जल्दी से आगे बढ़ूँ, मैं बहुत टाइम नहीं मेरे पास। 4:30 पढ़ दीजिए जी। यहाँ लिखा हुआ है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को सब लोग बोलिए शोकित। कभी शोकित हुए आप? कभी शोकित हुए? कितने लोग कभी शोकित हुए जिंदगी में? आपने हाथ खड़ा कर दिया। आप कभी शोकित हुए कि नहीं? अच्छा, समझ नहीं पाए, शोकित हुए कभी कि नहीं? नहीं हुए तो हाथ खड़ा करो ना। सब लोग शोकित हुए ना? कभी कभी सब शोकित हुए ना। कैसे शोकित हो गए? आज वहां हम गए चर्च में, उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया, आप शोकित हो गए? हाँ, इसमें भी शोक होता है कई बार। पापा मर गए, शोकित हो गए। नौकरी छूट गई, शोक में भरे। सबका प्रमोशन हुआ, मेरा नहीं हुआ, हम शोकित हैं। हम एग्जाम में फेल हो गए, हम 100% मार्क्स लाना मांगते थे, 80% ही आए, हम शोक में लौटे हैं। कई रीजन से आप शोकित हुए हैं। वो कह रहा है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। कैसे शोकित हो जाएगा? When you will ignore Holy Spirit, don't ignore Holy Spirit. बोलिए ignore. आपको मालूम जब आप अनदेखी करते हैं ना, वो हिंदी बोलिए अनदेखी। जब आप पवित्र आत्मा की अनदेखी करते हैं या पवित्र आत्मा की अनसुनी करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को मानते नहीं है, पवित्र आत्मा को डिसओबे करते हैं, जब पवित्र आत्मा को डिसरेस्पेक्ट करते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके बराबर में खड़ा हुआ बोल रहा होता है बेटा ये काम मत करो, और फिर भी आप कर रहे होते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा कुछ बोले और आप ना करें तो शोकित होता है। लिखा खुदा कलाम पवित्र, पढ़ो बेटा। हाँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। जिसकी तुम पर छुटकारे के दिन के लिए क्या किया गया? That is your seal. You are sealed with the Holy Spirit. Don't dismay the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कई बार मेरी आपकी जिंदगी में शोक, जब पवित्र आत्मा आपसे बोले उठो कि दुआ करो, दुआ कर लो। पवित्र आत्मा बोले उठो किसी से माफी मांग लो, मांग लो। पवित्र आत्मा कहे किसी को माफ कर दो, कर दो। पवित्र आत्मा कहे मेल मिलाप कर लो, अरे हटाओ झंझट यार, ये ब्राउन ने लाल समीज पहनी है, हरी ने काली समीज पहनी है, कोई दिक्कत नहीं, लाल काला दोनों मिला लो, कोई तीसरा रंग तैयार हो जाएगा। पर परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। व्हाई यू आर जस्ट डूइंग दैट? होली स्पिरिट विल गो, चला जाएगा, बुरा मान जाएगा। यदि उसी की आत्मा, हाँ, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम्हें बसा हुआ है। गौर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किसने जिलाया? परमेश्वर ने। किसका आत्मा है? पिता का आत्मा है। वो पिता का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तुम्हें बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वे तुम्हारे नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, हाँ, जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। आपको मालूम है कैसे जिलाएगा? कौन जिलाएगा आपको मृतकों में से? आपको मरे हुओं में से जिलाने की सामर्थ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की है। द होली स्पिरिट विल रिजरेक्ट यू। योर रिजरेक्शन, वो पुनरुत्थान जिसकी बात कर रहे हैं, कब्र अपने मुर्दे देगा, जिलाए जाएंगे, उठाए जाएंगे, आसमान पहुंचाए जाएंगे, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। और अगर वो कंडीशन बता रहा है, कंडीशन अप्लाइड ये है, इफ दैट सेम स्पिरिट ड्वेल्स इन यू, यदि वही आत्मा तुम में क्या कहता है, आता जाता है, विजिटिंग करता है,
क्या लिखा है? यदि तुम में बसा रहता है, यदि वो तुम्हारे अंदर बना रहता है तो तुमको जिलाएगा नहीं, तो खालतू अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, मेरा ही बर्बाद कर रहे हो। लेट होली स्पिरिट ड्वेल इन यू। कहिए खुदा से, पवित्र आत्मा आकर मुझ में बस जा। वुड यू लाइक टू से, अपना हाथ उठा करके कहेंगे मेरे साथ, कहिए पवित्र आत्मा आ और मुझ में बस जा, बस जा, मेरी मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट वी नीड यू। यू आर नॉट जस्ट एन ऑप्शन टू अस, हमारे लिए तू एक और साधन नहीं, और पवित्र आत्मा हमारे लिए तू एकमात्र साधन है। हमें मालूम है तू हमारे लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, तेरे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा बाप हमारी मदद कर, हमारी बोली, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी खुदावंद, पैसे के बगैर तो कट जाएगी, रोटी के बगैर चल सकती है खुदावंद, बगैर बिजली पानी के जी सकते हैं, शारीरिक दुर्बलताओं के साथ जी लेंगे, पर होली स्पिरिट आपके बगैर नहीं चलेगा। हमारी मदद कीजिए, पूरी कलीसिया को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप दे, बरकत दीजिए खुदा, आपका नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।